सऊदी अरब बना रहा है दुनिया में जन्नत, जिसे आप स्वर्ग भी कह सकते हैं। यानी ये सिटी इतना लंबा है, 170 किलोमीटर ये सिटी बनाया जा रहा है और 200 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है और 500 मीटर ये लंबा रहेगा शहर। और ये अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, तो सऊदी अरब दुनिया में जन्नत बना रहा है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी अपलोड हो चुका है और इसका मेन वीडियो भी आ चुका है किस तरह से ये सिटी रहेगा। पहले तो डिज़ाइन के तौर पर बताया गया था, लेकिन अब उसका पूरा वीडियो आ गया है किस तरह से लोग यहाँ पे घूमने जाएंगे, किस तरह से यहाँ का एक्टिविटी होगा, क्योंकि दुनिया में पहला ये जन्नत है, यानी वर्ल्ड में सबसे पहला शहर ये बनने जा रहा है जो सीधी लाइन है। और इसका इस शहर का इस सिटी का जो नाम है न्यूम द लाइन रखा गया है। जैसा कि आपको पता होगा, इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है, यानी 170 किलोमीटर ये लंबा शहर है और इसमें कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। और इसका जो चौड़ाई है 200 मीटर है, यानी 200 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। लेकिन देखने में आपको ये लगेगा कि यहाँ कोई सिटी नहीं है, कोई शहर नहीं। अगर दूर से कोई देखेगा तो सेम लगेगा, क्योंकि बाहर से पूरा ग्लास रहेगा और कोई ये नहीं कह सकता इसके अंदर क्या हो रहा है। और दुनिया का सबसे माहौल, यानी दुनिया से हटकर ये सिटी बनाया जा रहा है। और इसकी जो ऊंचाई है 500 मीटर है। अगर इस सिटी में कोई गाड़ी नहीं चलेगी तो फिर लोग सफर कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक ट्रेन चलेगी जो 20 मिनट के अंदर में 170 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी, लोगों को घुमाएगी और आप यहां से कहीं भी आसानी से कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही मिनट में सफर कर सकते हैं। तो ये सऊदी अरब क्यों बना रहा है, क्योंकि काफी लोग ये पूछते हैं भाई ऐसा शहर क्यों बना रहा है, और आने वाले टाइम में हर देश इस तरह का शहर बनाएगा और यही शहर बनाने में, यानी इसी माहौल का, इसी टाइप का शहर बनाएगा, तभी दुनिया में लोग बस पाएंगे, एडजस्ट हो पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा दुनिया में इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। 170 किलोमीटर का जो शहर है इसमें 9 मिलियन लोग रह सकते हैं, इतना बड़ा शहर है। लेकिन देखने के लिए आपको लगेगा, यानी देखने में आप ये कह सकते हैं कि ये छोटा सा लाइन है जो सीधा खींचा गया है पूरे समंदर होते हुए और रेतों के बीच में से ये खींचा गया है, ताकि किसी को एहसास भी नहीं, यानी पूरे शहर को समेट कर एक लाइन बनाया जाएगा और इसी में सारे लोग आ जाएंगे। 170 किलोमीटर लंबा ये शहर है और 200 मीटर चौड़ा ये शहर है। इसमें अगर कोई गाड़ी नहीं चलेगी तो लोग सफर कैसे करेंगे, यहाँ से वहाँ तक कैसे जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक कैप्सूल ट्रेन चलेगी जो 20 मिनट के अंदर में आपको इस शहर से, यानी इस कोने से उस कोना तक छोड़ेगी। और हर 5 मिनट के पैदल सफर में आपको वो हर फैसिलिटी दिया जाएगा, हर वो सिस्टम दिया जाएगा जो आप चाहते हैं। यानी दुनिया में ये समझिए जन्नत है, जैसा कि जन्नत में जो लोग जाएंगे वो सोचेंगे वो चीज़ उसके सामने में हाजिर रहेगा। इस तरह का शहर बनने जा रहा है और सऊदी अरब में इस तरह का माहौल बरपा हो रहा है, यानी पूरी दुनिया की नज़र अब सऊदी अरब पे होगी। क्योंकि सऊदी अरब ये चाहता है कि जो भी लोग ये जानते हैं कि सऊदी अरब सिर्फ तेलों पर चल रहा है, यानी ऑयल कंपनियों पर चल रहा है, जैसा कि आरामको दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सऊदी अरब एक अलग पहचान बनाएगा, जैसा कि दुबई ने बनाया। सऊदी अरब हर एक दिन एक नया अनाउंस कर रहा है, अलग दिन एक नया कानून बना रहा है, उसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे आएंगे टूरिस्ट के तौर पे और इसी से इनका कारोबार चलेगा, इसी से इनका देश चलेगा। क्योंकि अगर कुछ अलग नहीं बनाएंगे तो लोग आपके देश में घूमने के लिए भी नहीं आएगा, आपका नाम भी नहीं चलेगा।